हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल महीने का जो असाइनमेंट है वो आपको उसका आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो कक्षा 12वीं सब्जेक्ट अकाउंट, ठीक है, लेखांकन का वीडियो है। तो आज हम इसी में इसका आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं चलिए कि आपको असाइनमेंट में क्या क्या प्रश्न दिया गया था और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि साथ ही लाइक भी करें और जिससे कि आपको आपके असाइनमेंट से संबंधित और आपकी परीक्षा से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपके असाइनमेंट से संबंधित और आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो हम अपडेट करते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आपको कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की परिभाषा दीजिए और उसके उद्देश्यों को समझाइए। तो यहाँ से इसका आपको आंसर लिखना है, देख लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद इसका वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य लिखना है, राइट। यहाँ तीन उद्देश्य हैं तो इसको आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है लेखांकन अनुपात विश्लेषण क्या है, लेखांकन अनुपात विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो यहाँ से इसके आंसर लिखेंगे आप यहाँ से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बाकी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और या फिर आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। सारे वीडियो के आंसर आपको सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपके असाइनमेंट हैं तो सभी के असाइनमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये चार इसके पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरा है रोकड़ बहाव विवरण तैयार करने के उद्देश्य को समझाना है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगामी अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो असाइनमेंट के बेस पर आपका जनरल प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप सारे असाइनमेंट को आप लिखकर अच्छे से जमा कीजिए। रोकड़ बहाव विवरण तैयार करने के उद्देश्य को समझाना है, कोई चार इसके उद्देश्य बताने हैं तो आप यहाँ से इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की कोई चार विशेषताएँ आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से पहला अगर देखें तो पॉइंट है आपके पास ग्रिड, और दूसरा पॉइंट होगा आपके पास एलिमेंट, जिसे आपको लिखना है, और तीसरा पॉइंट होगा लेंस अवलोकन, और चौथा पॉइंट है फंक्शंस यानी प्रकारे। और स्टूडेंट्स, आपको आपकी परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ एक वीडियो मिल जाएगा कि आपकी आगामी परीक्षा कब होगी या फिर पोस्टपोन हो गया या नहीं, तो उसके बारे में हमने सब कुछ बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास पेरोल के घटकों को समझाइए और कोई चार बिंदुओं पर आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट है आपके पास मूल और डीए यानी बेसिक एंड डीए, दूसरा हो जाएगा मेडिकल यानी चिकित्सा, और इसके बाद अगला पॉइंट होगा आपके पास एच आर ए, और नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास फ़ोन कॉल प्रतिपूर्ति, ठीक है, फ़ोन सेल रिमबर्समेंट, राइट। तो ये आपको ये कंप्लीट हो गया। और भी आपको जो आपके असाइनमेंट हैं आपको सारे असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, कुछ लोग पूछ रहे थे कब तक जमा करना है, तो लास्ट डेट आपका 10 तक है, 10 मई तक आप जमा कर सकते हैं। यदि आपके ज़िले में लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके बाद भी जमा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।